हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकसित भारत की इस यात्रा में जनसेवा सुशासन पर विशेष बल दिया गया है। नागरिक आकांक्षाओं की पूर्ति में प्रशासन की भूमिका को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार सिविल सर्वेंट्स की क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की स्थापना की गई। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है कर्मयोगी भवन, एक एकीकृत परिसर जो कि सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए केंद्र बिंदु के रूप में उभरेगा। मिशन कर्मयोगी के कार्यान्वयन में जुटे संस्थान कर्मयोगी भारत SPV, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण विंग एकीकृत रूप से कार्य कर सके, इसके लिए इस इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। कर्मयोगी भवन 2 चरणों में निर्मित हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इसके प्रथम चरण का शिलान्यास हो रहा है। कर्मयोगी भवन सभी प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों एवं जनसेवा में जुटे संस्थानों के बीच कोलैबोरेशन, कनेक्ट एवं कोऑपरेशन का सशक्त माध्यम बनेगा। इस भवन में क्षमता विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित की जा रही है। ये कर्मयोगी भवन वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री के रीथिंक, रीइमेजिन एंड रिफॉर्म दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा।